हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और सभी लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। और यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें और आप सभी लोगों के ड्रीम्स जो हैं पूरे हो जाएं। और स्पेशली आगे आने वाले इस 2024 से लेकर आपका लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रीडिंग भी आपका यही है, 2024 में आपको क्या कुछ है ऐसा जो कि मिलकर रहेगा, ठीक है। आपका जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है, आखिर कैसे चमकेगा इस 2024 में, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ हो गया या आपका कोई भी एरियाज हो, चाहे जॉब हो, रिलेशन हो, या लव लाइफ हो, फैमिली रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर मैरिज रिलेटेड हो या मैरिड लाइफ रिलेटेड हो, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिवाइन स्पिरिट यूनिवर्स आपको देना चाहेगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और यस, डेफिनेटली जो भी गाइडेंस आपके लिए आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। यूनिवर्स ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वो पहले ही आपको अवेयर कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें मत करना और ये सारी चीज़ें करना, इससे तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, तुम्हारा किस्मत चमक जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और डेफिनेटली यहाँ पे एक और टॉपिक कवर करूंगी जो कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होगा, कि मतलब कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगे 2024 में, आपके अंदर क्या बदलाव होंगे और आपकी जो लाइफ है वो आपको कैसा ट्रीट करने वाली है 2024 में। तो बहुत कुछ डिटेल में आपको पता चलने वाला है, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। और इसको क्लेम करने के लिए, ठीक है, कनेक्ट हो जाने के लिए आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ डिटेल है और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है। और हाँ, आपका जो है आज लास्ट है नवरात्रि ऑफर, वो आप खत्म हो जाएगा, तो आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट मिल रहा है एंड ग्रेट डिस्काउंट में डिटेल रीडिंग मिल रही है किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, किसी भी टॉपिक पे या फिर करियर हो, आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग ये जो आप देखने वाले हैं डेफिनेटली 2024 के लिए है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस है, ठीक है। उसके साथ साथ मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले आप सभी के लिए रीडिंग है, दिल खोल के देखिए, क्योंकि बहुत कुछ मैच करेगा, बहुत कुछ रेजोनेट करेगा, बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे, ठीक है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, मैं आपको क्लोजर व्यू भी दूंगी, पॉज करके भी दिखाऊंगी, ताकि अपना समय लेके आप लोग अपने कार्ड को या फिर अपने पाइल को सिलेक्ट कर पाए, ओके। सो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपका पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है लॉर्ड गणेशा का, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल शुरुआत है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलराइट। एंड पाइल 2 के लिए है 16 से लेके अगर 31 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है, तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका क्रिया का कार्ड, ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 2, ऑलराइट। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, क्लोजर व्यू दूंगी, लेकिन हाँ, आपको इंटिट्यूवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहेगुरु, जिसमें आप बिलीव रखते हैं, उनका नाम लीजिए और अपने कार्ड को या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है पाइल 1 एंड पाइल 2 का, क्लिक करोगे तो अपने रीडिंग पे आप पहुंच जाएंगे, ओके। सो अब मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस ब्यूटीफुल गणेशा कार्ड को। सो देखते हैं 2024 आपका कैसे रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव होंगे आपके अंदर, आपके पर्सनालिटी में और आपके पूरे लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके फेरी कार्ड्स के थ्रू, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊं और आप मुझसे कनेक्ट हो जाएं और आप अलाइन हो जाएं, तो आपके लिए परफेक्ट मैसेज आ सके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। एंड यस, डेफिनेटली आपका ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है आपने इंट्रोडक्शन नहीं सुना है। तो देखिए, एक्चुअली बात यहाँ पे यह है कि आपका जो नवरात्रि ऑफर है वो अब ख़त्म होने वाला है एंड आज लास्ट है, सो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। हीलिंग का कार्ड है एंड लाइफ एनर्जी का कार्ड है, और देखिए ग्रेट डिस्काउंट पे डिटेल रीडिंग मिल रही है, तो आप सभी लोग ले सकते हैं, आज लास्ट है, ऑलराइट। सो यहाँ पे 3 कार्ड्स आया है एंड एक और कार्ड लेंगे एंड दिस वन,
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके इस 2024 में एक बड़ा बदलाव होगा, एक बड़ा चेंजेस होगा, लेकिन वो किस तरह का चेंजेस होगा वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में अब बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में अबंडेंस का जो द्वार है, ठीक है, जैसे होता है ना कि धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे डोर लाइफ में ओपन होते चले जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया ना उसके थ्रू ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसा द्वार, एक ऐसा डोर ओपन हो रहा है जो कि बहुत सारे पैसे, धन दौलत और अबंडेंस लेकर आ रहा है। मतलब आपका करियर लाइफ अगर रुका हुआ था तो डेफिनेटली आपका करियर लाइफ बहुत स्पीड से दौड़ेगा इस 2024 में, ठीक है। ये पहला इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए हीलिंग का कार्ड। सो देखिए 2024 जो है ना आपका वो समय होगा जिसमें हमेशा ही हीलिंग होगी, जिसमें हमेशा ही ग्रेट टाइम होगा, जिसमें हमेशा ही आप चीज़ें रिसीव करेंगे, और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप भी दूसरों को दें, दूसरों की मदद करें। इससे क्या होता है ना कि आपको जो भी चीज़ें मिलती है वो 10 गुना होकर मिलती है, ये तो आपको पता है। तो डेफिनेटली ये हीलिंग कार्ड आपको ये बता रहा है कि 2024 में हो सकता है कि छोटे मोटे आपके आपको जख्म वगैरह लग जाए, ठीक है, लेकिन उसकी हीलिंग जो प्रोसेस होगी वो बहुत तेज़ी से होगी, इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी हीलिंग होगी कि उस चीज़ को आप फील कर पाएंगे। जैसे कि देखिए लाइफ होती है ना तो उसमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा आप कैसे सीखोगे और कैसे समझोगे। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस 2024 में जो भी प्रॉब्लम होगा वो बहुत छोटा मोटा सा होगा, ठीक है, और अगर थोड़े बहुत जख्म भी लगेंगे या फिर तकलीफ़ भी होगी तो वो बहुत जल्दी हील होते हुए मुझे ऐसा लग रहा है हो जाएगी। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू लोगों की भी एंट्री होगी, ठीक है, जो कि बहुत नेचुरल एंड बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पर्सन्स हो सकते हैं, उन सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है। और मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसे एनर्जी में आने वाले हो जिसमें कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो। मे बी आप खुद एक ऐसे हीलर बन जाओगे, मतलब आपका प्रोफेशन ही जो है एक हीलर प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपका डॉक्टर होना, आपका एक लॉयर होना, आपका एक टीचर होना, ठीक है। तो मतलब आप अपने प्रोफेशन को इतने अच्छे से निभा रहे हो 2024 में, जिसमें कि आप अपने प्रोफेशन से ही लोगों को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक गाइडेंस इस कार्ड के थ्रू वो ये है कि जब भी आपकी एंट्री 2024 में हो, ठीक है, आप हमेशा ही रहे लेकिन स्पेशली जब आप 2024 में एंट्री लें, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं दूसरों को बहुत ज़्यादा हील करूं। इससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करते चले जाओगे, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को अभी ही ख़त्म करें, जो भी आपके अंदर किसी को लेकर रिवेंज है या थोड़ी बहुत भी बदले की भावना है, ठीक है, या फिर कोई भी दुख है या दर्द है किसी को भी लेकर, वो सारी चीज़ें का त्याग कीजिए। कमेंट में लिखिए कि हाँ मैं सारी चीज़ों को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को ख़त्म कर रही हूँ और मेरे अंदर हीलिंग एनर्जी आ रही है, मैं एक हीलर बन रहा हूँ जिससे कि मेरे बोलने से ही बहुत सारे लोग हील हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है कि 2024 में आप अपने इस नेचुरल एबिलिटी को पहचान रहे हो, और ये आपका नेचुरल एबिलिटी है हील करना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है, शुरू से ही पता है कि जितने भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे एंड रियलिस्टिक इंसान हैं। हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, हो सकता है आपने बहुत प्रेयर किया, बहुत सारे दुआ किए, बहुत सारे चर्च में जाके या फिर कहीं भी टेंपल, मस्जिद, मॉस्क्यू कहीं पे भी जाके आपने बहुत सारे प्रार्थना किए, लेकिन शायद वो सारी सुने नहीं गई, या फिर हो सकता है कि सुने तो गए लेकिन डिवाइन टाइम नहीं आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 जो है वो आपका डिवाइन टाइम है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपने प्रेयर किया है, जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप बैठे हुए हो और 2023 में या उससे पहले भी आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, और वो सारे रिक्वेस्ट जो है ना भगवान आपकी सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं, जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस धरती पे तो है या फिर इस यूनिवर्स में है जो कि क्रिएट किया है इस यूनिवर्स को या मल्टीवर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे वो जिसमें भी आप बिलीव रखते हैं वो आपकी ज़रूर सुन रहा है और वो आपको बहुत पावरफुल बना रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में कोई ऐसा आपको पोजिशन भी मिल सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। मे बी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 2024 में आप एकदम माइंड एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर रहने वाला है, बहुत लाइफ जो है ना आपकी एनर्जेटिक होने वाली है, बहुत पावरफुल से पर्सन बन रहे हो,
ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि नो, कोई दिखावा नहीं, कोई परेशानियाँ नहीं, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत क्रिएटिव भी होने वाले हो, वो मैं आपको कार्ड्स लेकर बताऊंगी कि आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो भी आपने प्रेयर किया है, जो भी आपने प्रार्थना की है बहुत समय से या अभी तक, ठीक है, तो वो सारे जो प्रार्थना है, अब सारे प्रार्थना मिलकर इस 2024 में आपके सारे विशेष जो हैं पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मन में जो भी टेंशन है, तनाव है, वो सारी टेंशन तनाव, वो सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं। एक नया द्वार ओपन हो रहा है, ठीक है, एक नई डोर की ओपनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, लाइफ एनर्जी आपको ये बता रही है कि लाइफ को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, तो ये एनर्जेटिक आप तब बना सकते हो कि जब अपने दिमाग में ये बात रखो कि ज़िंदगी है, और ये मतलब हर एक इंसान का एक एक्सपायरी डेट तो होता है ना, ठीक है, तो मतलब ज़िंदगी को मतलब जीते चले जाना है। इससे क्या होगा ना कि आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, और एनर्जेटिक रहेंगे तो आप यंग रहेंगे, यंग रहेंगे तो आप अपने आप को हील करेंगे, ठीक रखेंगे, और जब ठीक रखेंगे तो आपकी जो आयु है, आपका जो एज है, वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा 2024 में या हमेशा ही, कि मुझे दूसरों को भी हील करना है और ख़ुद को भी हील करना है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा ऐसा एक्टिविटी करना है, ऐसे एक्टिविटी में मुझे इन्वॉल्व होना है जिसमें मुझे सुकून मिले, ठीक है। जैसे हो सकता है आप म्यूज़िक लवर हो, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, आपको फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना बहुत पसंद है, तो इस चीज़ को कीजिए। ये आपको हील करेगा, ये आपको यंग बनाएगा, ये आपके एज को रोकेगा, या रिवर्स एजिंग भी हो सकता है अगर आप अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लो तो। और आपकी जो एज है वो भी बढ़ सकती है जब अपना हेल्थ पे ध्यान दोगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि लाइफ आपको बहुत अच्छा 2024 में ट्रीट करने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ सिखाने वाला है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है प्रोटेक्शन का कार्ड। देखिए, कहीं भी आपका आना जाना होता होगा, ठीक है, तो आप सेफ़ या प्रोटेक्टेड नहीं फील करते होंगे, लेकिन इस 2024 में आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप एक ब्लॉगर बन जाए, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाए, जहाँ पे आप एक लड़की हो या लड़का हो या जो भी हो आप, ठीक है, आप अकेले ही जो है इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, नए नए दोस्तों से मिल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि 2024 में आप एक ब्लॉगर बन जाएं, जहाँ पे आप लोगों को जाके सीख रहे हैं, मिल रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ठीक है, न्यू न्यू कंट्री जा रहे हैं या फिर न्यू न्यू स्टेट जा रहे हैं, तो वहाँ के कल्चर को सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं, उनके लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, ठीक है, उनके पहनावे को सीख रहे हैं। तो एक ओपनिंग आपके अंदर एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक जैसे ओपन हार्ट होता है ना, ओपन हार्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल दिल के खुले, तो मतलब आप पूरी तरह, मतलब आपके सारे चक्र जो हैं वो ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ठीक है, मुझे जो भी सीखना है वो मैं सीखूंगा, मुझे जो भी सीखना है मैं वो मैं सीखूंगी, तो मतलब आप एक सीकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सीकर जो कि हर एक चीज़ के लिए ओपन होता है। तो वो वाली एनर्जी 2024 में आपकी रह सकती है, मतलब कि आप एक टाइम अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहने वाले हैं तो एक टाइम एक बार बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन सकते हैं, एक टाइम हो सकता है आप थीस्ट बन जाए, तो एक टाइम हो सकता है आप एथीस्ट बन जाए, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर है, मतलब आप इतने ओपन रहने वाले हो इस 2024 में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी गुस्सा भी आता होगा तो आप बोलते होगे कि मेरा तो जो है भगवान से, या जो भी आप मानते हैं, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, ठीक है, तो उनसे विश्वास उठ चुका है। तो क्या होता है, एक टाइम आप एथिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, तो कभी आपका बहुत ज़्यादा भरोसा बढ़ जाता है क्योंकि आपका कोई काम पूरा हो जाता है, तो उस टाइम आप थीस्ट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है, मतलब आस्तिक नास्तिक, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप अपने ज़रूरत को सोचकर भगवान के साथ कनेक्शन ना रखें, बल्कि दिल से कनेक्शन रखें, तो वो आपको हर एक चीज़ देंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, सिंपली आप यूनिवर्स भी मान सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। वैसे और देखते हैं कि आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट हो सकता है, वो चेक करते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होने वाला है इस 2024 में। ओके, दिस वन आप सभी लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूं। दिस वन एंड लास्ट वन। ओके,
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो 2024 है, जिसमें कि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हार्मनी होगी, मतलब कि इतना ज़्यादा खुशी शायद आपने अभी तक अपने लाइफ में नहीं फेस किया होगा, नहीं इंजॉय किया होगा। ये खुशी आप आगे आने वाले टाइम में इंजॉय करने वाले हो 2024 में। उसके बाद आपके पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट होने वाला है ये आप जानना चाह रहे हो, काफ़ी उत्सुकता होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की हाइट भी बढ़ सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी एज 30 है, 35 है, जो भी है, तो कुछ लोग ऐसा होता है ना कि मेडिटेशन के थ्रू या फिर मैनिफेस्टेशन के थ्रू भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी हाइट बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये उनके लिए भी हो सकता है जिनकी कम एज हो, स्पेशली 18, ठीक है, 25, 20, ठीक है। तो आप जो है ना कुछ भी कर सकते हैं अपने पावर से, अपने माइंड से। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब आपको ये चीज़ प्रूफ मिलने वाला है कि हाँ, मैं अपने दिमाग से कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये भरोसा भी बढ़ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, एंजेलिक प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा निखर रही है, ठीक है। ब्यूटी कहने का मतलब है जो चेहरे की निखार होती है, यंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा यंग होना, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग आपको कहते होंगे कि तुम्हारे तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं, ये वो, ठीक है। तो अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आपके हेयर भी बहुत ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ लुक्स में बहुत बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है बहुत अच्छे हो, लेकिन हो सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हो, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्योंकि देखिए, चाहे कैसा भी कोई इंसान हो, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्लॉज होता है, या फिर कोई एक अच्छा इंसान है तो हो सकता है उससे भी कोई अच्छा इंसान हो। तो इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, और हमेशा ये भी रखना चाहिए कि मैं और भी इम्प्रूव हो सकता हूँ, मैं और भी इम्प्रूव हो सकती हूँ। तो वही इम्प्रूवमेंट मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, आपके लुक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2024 में बहुत सारे लोग एकदम पोइट्री वाली एनर्जी में आ रहे हैं, लाइक अचानक से ऐसा आपका दिल कर सकता है 2024 में। क्योंकि देखिए, इंसान का जो है ना, वो ड्रीम्स जो होता है, जो सपना होता है, या तो कंप्लीट कर करके और भी बहुत सारे सपने लाइफ में ऐड करते चले जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि उनका ड्रीम बदलते रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आप सोचते होंगे कि मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, या डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगी, कुछ भी, या फिर हो सकता है कि फिर कुछ भी सोचते होंगे, मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस, जो भी। लेकिन उसके बाद जब आप बड़े होते हो तो फिर आपको लगता है नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है। फिर अचानक से कुछ सालों बाद आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तो MBA कर लेना चाहिए था, मुझे तो प्रोफेसर बन जाना चाहिए था, मुझे तो PhD कर लेना चाहिए था। फिर अचानक से आपको लगेगा बिजनेस कर लेना चाहिए था। तो इसमें आपकी गलती नहीं होती है, जैसा समय होता है वैसे वैसे लोग ढलते चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आपके बहुत सारे ड्रीम्स बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक राइटर भी बन सकते हैं, मतलब आपका ऐसा दिल करेगा, मतलब आपका ऐसा थिंकिंग हो सकता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ लिखूं, या फिर गाना का जो लिरिक्स होता है, सॉन्ग्स के लिरिक्स होते हैं, हो सकता है वो आप लिखो, आप एक म्यूजिशियन बन जाओ, ठीक है, आपको एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की इच्छा हो जाए। तो इस तरह के मुझे चेंजेस आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में हारमोनी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, हारमोनी को आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खींचते चले आएंगे। मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तो हो रहे हो, और वही सारी चीज़ें आपको खुशियाँ भी दे रही हैं, ठीक है। तो ये जो वेनस कार्ड है ना, ये आपको ये बता रहा है कि बहुत सारी मतलब लाइक खुशियाँ तो आ रही है, लेकिन आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन बन रहे हो। और यहाँ पे एक चीज़ और है जिसे एडिकेट्स कहते हैं, ठीक है, एटीट्यूड, व्यवहार। तो ऐसा हो सकता है कि आपका व्यवहार कुछ इस तरह रहता है कि आप बहुत ज़्यादा भड़क जाते हो, बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, लेकिन इन फ्यूचर आपके मैनर में, आपके बात करने के तरीके में, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि जो आपकी एग्रेशन वाली एनर्जी है वो भी ख़त्म हो रही है 2024 में, ठीक है। आप एक अलग से, एक न्यू से पर्सन बन रहे हो यहाँ पे, बिल्कुल, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसा कोई चेंजेस आपके अंदर होगा, ठीक है। और आप किसी और ड्रीम में, ठीक है, या फिर किसी और प्रोफेशन में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपकी इच्छा के नहीं हो, प्रेशर में कर रहे हो, तो आप कोई ऐसे ड्रीम में आ सकते हैं जो आपका ड्रीम जॉब हो, ठीक है। तो बहुत सारे आपके मतलब लाइक एटीट्यूड में, व्यवहार में बदलाव हो रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके लुक्स में भी मैं चेंजेस देख रही हूँ, ठीक है। और क्या आपके अगल बगल में चेंजेस होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, दिस वन,
सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो खान पान है, खाने का तरीका जो है, वो सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा 2024 में बदलाव होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी फॉरेन प्लेस में शिफ्ट कर जाएं, फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कर जाएं, या किसी और स्टेट में जिसका खाने पीने का तरीका, कल्चर, ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट है। और हो सकता है कि आपको उनके उस कल्चर में, ट्रेडिशन में, या फिर उस कंट्री के जो भी व्यवहार है लोगों के, उसमें ढलना पड़े, ठीक है। तो उसमें आपको मज़ा आएगा, उस चीज़ को आप सीखेंगे। आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, अगर आप यूरोप में जाएंगे, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगेंगी, उसको आप लोगे, जो नहीं अच्छी लगेगी उसको आप जाने दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ आपके लाइफ में चेंजेस हो सकता है, जैसे कि खाने पीने का तरीका, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हेल्दी डाइट शुरू कर सकते हैं, जिम वगैरह करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कर रहे हैं, बहुत इनोवेटिव, अपने आप को प्रोएक्टिव बना रहे हैं, इनोवेटिव पर्सन बन रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप सेल्फ एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको बहुत सारे मौके मिल रहे हैं जिसमें कि आपको रिवॉर्ड वगैरह मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मौका मिल रहा है कि आप जाके स्पीच दें, ठीक है, अवार्ड भी लें, स्पीच भी दें, ठीक है। तो आपके लिए तालियां बज रही है, ऐसा भी वहाँ पे 2024 में हो सकता है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जेनरस पर्सन बन रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे ये भी चांसेस हैं कि प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीज़ होगी, और आपका जो भी जॉब है वो भी परमानेंट होते हुए दिखाई दे रहा है 2024 में। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में जैसे इंटर करोगे, उसके 2 महीने के बाद, मतलब जनवरी फरवरी के बाद, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक गाइडेंस है आपके लिए, वो है कि आपको एकदम ट्रूथफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हो तो हमेशा ही आपको ट्रूथफुल रहना है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपका म्यूज़िक में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बिल्कुल शुभ शुभ इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हो सकता है एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हो, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, या नेम फेम हासिल करना चाहते हो, तो उसमें भी आप फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी लग रहा है कि फैमिली के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से दूर हो, तो उनसे मिलने वाले हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि अगर फैमिली के साथ आपका कनेक्शन खराब है, तो फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है और आपको जानने की ज़रूरत है, वो है एनिमीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे आपके एनिमीज़ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब रीडिंग देख रहे हैं ना, तो रीडिंग देखने के दौरान आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं जिससे आपको बच के रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है एक डिजीज़ की तरह, कहते हैं ना कि बीमारी की तरह आते हैं, ठीक है। तो वैसे कुछ एनिमीज़ जो है आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उनकी वजह से आप कर्ज में फंस जाओ, ठीक है। तो ऐसे कोई थीफ्स, मतलब जिसे चोर कहते हैं, वैसे लोगों से आपको सामना करना पड़ सकता है, या फिर वैसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ कहा जा रहा है सिंपली, ठीक है। और अपने नॉलेज को अपना वेपन की तरह यूज़ करना है, ठीक है। अपने चालाकी को अपने वेपन की तरह यूज़ करना है कि हाँ, आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एकदम नॉर्मल रहना है, बस अवेयर रहना है कि हाँ, ये मेरे लिए बुरा है, आपको शो नहीं करना है, नहीं तो वो और भी अवेयर हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि 2024 में आप न्यू पेट्स वगैरह खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपको डॉग, कैट, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, लाइक रैबिट वगैरह। तो ऐसा हो सकता है कि मे भी 2024 में कुछ पेट्स रखोगे तो अच्छा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ पेट्स वगैरह को बचा रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ एनिमल लवर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, एनिमल्स को बचा रहे हो, फीड करा रहे हो, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी है, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन बन रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकते हो। 2024 में थोड़े कंजर्वेटिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ऐसा हो सकता है किसी इंडस्ट्री में आप काम करो, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़े से कंट्रोलिंग भी होते हुए दिखाई दे रहे हो 2024 में। और ये भी देखिए डिपेंड करता है, कंट्रोलिंग होना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, आपका कोई इंडस्ट्री है, आपका कोई काम है, कंपनी है, तो उसमें आपको कंट्रोलिंग तो होना पड़ेगा ना, तभी तो आपके जो एम्प्लॉय है, आपके अंडर जो काम करेंगे लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आपको क्या रहेंगे, आपको लेकर सीरियस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल में टीचर हैं, तो अगर आप एकदम नॉर्मल फ्रेंडली हो गए बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा,
तो वो लोग आपको वैसे ही ट्रीट करने लगेंगे, फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। इसलिए आपको कुछ मामलों में कंट्रोलिंग रहना होगा 2024 में, ठीक है। वैसे और देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। ओके, ऐसे तो कार्ड्स नहीं आने चाहिए, ठीक है, और देखते हैं, पहले अच्छे से सफल करते हैं। इस तरह से तो सारे कार्ड्स आ गए थे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, 2024 के लिए मैसेज दीजिए। ठीक है, ईयर का सबसे पहला एंड ब्यूटीफुल कार्ड है, वो है आपका गुड न्यूज़ का कार्ड। मतलब कि 2024 के एंट्री होते साथ ही, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल गुड न्यूज़ मिल सकता है, ठीक है। एंड ये गुड न्यूज़ आपका आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या फिर घर में किसी की प्रेगनेंसी वगैरह की न्यूज़ आए। और क्या है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, थ्रोन का कार्ड है, मतलब पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। आपको पोजीशन मिल सकता है, वो पोजीशन जिसमें आप अथॉरिटी हो, जिसमें पावर हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो देखिए यहाँ पे ये भी है, मैंने आपको बताया ना कि अगर फैमिली के साथ आपका कनेक्शन अच्छा नहीं है तो उनका कनेक्शन ब्यूटीफुल हो रहा है, और जिनका अच्छा चल रहा है तो मे बी आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। वार्निंग है आपके लिए कि मे बी उनके साथ कुछ झगड़ा हो सकता है, जो आपके बहुत लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे उनके साथ आपका तू तू मैं हो सकता है। तो बस ये अवेयर रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं कि 2024 आपको क्या देना चाहता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, 2024 के लिए मैसेज दीजिए मेरे पाइल वन के लिए। पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, आज लास्ट है, सो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए 2024 में बहुत सारे हैप्पीनेस है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं हूँ ना, मैं आपके लिए प्रे करूँगी, मैं हमेशा करती हूँ, हमेशा ही, कि आप सभी के सपने जल्दी से पूरे हो जाएँ। उसके बाद है यहाँ पे देखिए मैरिज। वाओ, अभी तक तो कोई कार्ड नहीं आया था, लेकिन अब यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है। ये सभी लोग क्लेम कीजिए जो भी जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं, सेट होना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो देखिए 2024 में बहुत सारे लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है, बैंड बाजा बारात, ठीक है। तो खुश हो जाइए और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी काफ़ी धूमधाम से होगी, ठीक है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो तो मैं रीडिंग बना ही दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। सो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। वाओ, देखिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स अभी आपकी लाइफ में जो चल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कंटिन्यू रहे, लेकिन 2024 में वो सारे ऑब्स्टिकल्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके अंदर बदलाव आ रहा है, जैसे कि आप एक डिटरमाइंड पर्सन, ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन, कोई ऐसे इंसान को थोड़ी पोजिशन एंड अथॉरिटी मिल जाएगा। और आप वैसे बन रहे हो तब तो आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, पोजिशन अथॉरिटी मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप एक सेल्फ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ रहा है, जिसके वजह से आपको ट्रायम्फ 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 देखने को मिलेगा। मतलब जीत 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 हर जगह, ठीक है। जैसे एक ईगल होता है जो कि किसी चीज़ से डरता नहीं, स्पेशली जब लाइटनिंग होती है उससे भी नहीं वो डरता है, बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म होता है उससे भी वो नहीं डरता। तो वो वाली चीज़, वो वाली एनर्जी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, और इसी वजह से आपको वो पोजिशन मिल रहा है, इसी वजह से आपको प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है। कोई आपको प्रमोशन देने वाला बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि आप डिज़र्विंग हो, आप उस लायक हो, इसलिए मिल रहा है, ठीक है। तो आपके मेरिट पे ही सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, दो कार्ड है। सबसे पहले बी अवेयर ऑफ ग्रीड, मतलब 2024 में बहुत सारे पैसे धन दौलत मिलेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि मिलते चले जाता है तो वो और भी लालच बढ़ती है। तो बी अवेयर ऑफ ग्रीड, आपको लालच से बच के रहना है, ठीक है। अपने आप को डिफेंड करना है 2024 में, ठीक है। कुछ लोग, मैंने आपको बताया ना कि एनिमीज जैसे आ सकते हैं, तो आप अपने आप के लिए ही सील्ड हो, आपकी बात, आपके बोलने का तरीका, आपका एडिकेट्स, आपका जो भी चीज़ है, ठीक है, आपका एटीट्यूड, वही आपको डिफेंड करेगा, आप खुद को डिफेंड करोगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। वैसे साथ साथ आपका एंजली प्रोटेक्शन तो रहेगा ही रहेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जर्नी भी करने वाले हो, ठीक है। डेफिनेटली 2024 में ऐसा हो सकता है कि कहीं फॉरेन शिफ्ट कर जाऊँ पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। ऐसा भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि हो सकता है आपने काफ़ी लंबे समय से अप्लाई करके रखा है कि मुझे फॉरेन में जाना है, मुझे वहीं अपना जॉब करना है, वहीं सेटल होना है परमानेंटली। तो यहाँ पे 2024 में हो सकता है कुछ लोग मैरिज करके वहाँ सेटल हो जाए, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि टेम्प्ररी भी जा सकते हैं, कुछ लोग ऐसा हो सकता है जॉब के लिए चले जाएं, ठीक है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे आप चले जाओ 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 2024 के लिए, ठीक है।
देन यहाँ पे आपके लिए है कैंडल का कार्ड। हमेशा 2024 में एक होता है ना कि जब आपके हाथ में लैम्प होता है, लाइट अगर चली भी जा रही, ठीक है, कैंडल हो, लैम्प हो, कुछ भी हो, तो आप अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रास्ता है वो एकदम लाइटेड रहेगा, ठीक है, लाइट रहेगी रास्ते में, रोशनी रहेगी, आप आराम से 2024 में स्मूथली आगे बढ़ोगे। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए, प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आपके सीक्रेट एडमायरर जो भी अभी छिप छिप के आपको प्यार कर रहे हैं ना, ठीक है, वो सारे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर भी आपके इस 2024 में बन सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम्स हो सकता है आपके लाइफ में आए, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम्स टेम्पररी होंगे, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना 2024 में कि आप अपने सारे प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए क्या रेमेडीज़ है, या फिर किस फील्ड में आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे किस चीज़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, आपके लिए रेमेडी भी है, जैसे कि अगर आप 2024 में इंटर करते हैं तो कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे शनि मंदिर जो है एवरी सैटरडे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको कहा जा रहा है, जब भी आप जाएँ तो सैटरडे को जाएँ शनि मंदिर। उसके बाद है आर्ग्यूमेंट्स, 2024 में जितना हो सके आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने दिमाग को एकदम फ्रेश रखना है, और फ्रेश कैसे रख सकते हो, आर्ग्यूमेंट से बच के, चाहे वो आर्ग्यूमेंट आपके फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, बेस्ट फ्रेंड से हो, या आपके पार्टनर से हो, जहाँ हो वहाँ से निकल जाइए। उसके बाद डोंट ओवर थिंक, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है इस 2024 में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोएक्टिव बनना है, एक्टिव बनना है। उसके बाद टेक केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ वेलबींग। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आगे आने वाले इस 2024 में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, तो स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा फिजिकली और मेंटली अपने ऊपर, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। देन यहाँ पे है ह्यूज सक्सेस नेक्स्ट ईयर, ये चीज़ कहा जा रहा है कि 2024 में आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। और अगर आपको कभी भी कोई कॉम्प्लीमेंट मिले उसको एकदम दिल से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वो चीज़ के आप डिजर्विंग हो, उस चीज़ के आप लायक हो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रू लव भी मिल जाए 2024 में, तो अभी से ही जो है गॉडेस दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, उनको रेड कलर का शॉल जो है ऑफर आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये है आपके लिए कि ग्रीन कलर का हैंडकरचीफ्स जो है आप अपने पॉकेट में रखें, ये आपके गुड लक को जो है शो करेगा, ठीक है, या फिर आपको जो है जल्दी से जल्दी अचीवमेंट हासिल करने में हेल्प करेगा, पैसे धन दौलत में हेल्प करेगा, न्यू जॉब और ड्रीम जॉब। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि 2024 में आपको न्यू जॉब मिल सकता है, या फिर आपको आपका ड्रीम जॉब मिल सकता है, जैसे फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है, ठीक है। एंड देखिए, अगर आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली 2024 में इसमें आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है, आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ लोग टीचर एंड प्रोफेसर भी बन सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि क्रिएटिविटी जितना ऐड करोगे अपने काम में, क्रिएटिविटी उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे, और उतना ज़्यादा आपको प्रमोशन भी मिलेगा, पैसे धन दौलत मिलेंगे। कुछ लोग 2024 में ऑथर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, वो है ड्रीम इट बट मोर इम्पॉर्टेंटली डू इट। मतलब कि आपको ये कहा जा रहा है कि ड्रीम्स जितना हो सके उतना देखिएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका उस पर वर्क करना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। सो अब मैं आपको अफर्मेशन बताऊँगी 2024 के लिए, क्या अफर्मेशन आप कर सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए अफर्मेशन क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप सभी को कमेंट में लिखना है माई इमोशंस आर बैलेंस, मतलब इमोशंस पे भी 2024 में ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद लिखिए आई एम क्लियर एंड जॉयफुल। हिंदी में भी बता देती हूँ कि आपको लिखना है कि जो भी मेरे इमोशंस हैं, जो भी मेरी फीलिंग है, ठीक है, वो सारे इमोशंस फीलिंग बिल्कुल बैलेंस्ड है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं बहुत जॉयफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। आई एम कंपैशनेट वॉइस एंड टॉलरेंट, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, मैं मेरे अंदर बहुत दया है, ठीक है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और मैं चीज़ों को हो सके तो टॉलरेट कर रहा हूँ।
जैसे लड़ाई झगड़े हो गए उसको आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव मिल रहा है, मुझे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा समझा जा रहा है, अच्छे लोग मुझे मिल रहे हैं, लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार भी बढ़ रहा है, डिवाइन लव, और उसके साथ साथ लोगों के दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मर्सी भी बढ़ रही है, ठीक है। और मुझे आप ऐसा लग रहा है कि हेल्थ अगर इशू है तो आपके हेल्थ इशू भी 2024 में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। वैसे मैं और भी आपके लिए रीडिंग लेते आऊँगी, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल टू, हो कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप सेलेक्ट किए हैं इस ब्यूटीफुल क्रिया कार्ड को। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड पर्सनल रीडिंग पे जो ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, जो नवरात्रि ऑफर है, वो आज ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो सभी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए फटाफट, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट पर आपको डिटेल रीडिंग मिलने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मैं आपको बताऊँगी कि 2024 में ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर रहेगा, आपकी किस्मत बदलेगी, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट, सेवन ऑफ वाटर की एनर्जी है, रीन्यूअल की एनर्जी है, एंड देन यहाँ पे है नाइट ऑफ अर्थ, एट ऑफ फायर, दैट्स ग्रेट, एंड सिक्स ऑफ अर्थ। ओके, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आप सभी की कुछ ऐसी पर्सनालिटी है जैसे कि आप एक ड्रीमर हो, अब डे ड्रीमर कहा जाए या फिर कुछ भी कहा जाए, मतलब आप एक ड्रीमर हो, मतलब हमेशा सपना देखते हो, ठीक है। आपकी ये इच्छा है कि मेरे जो जितने भी सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो जाएँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके कोई सिक्स जो मेजर इम्पॉर्टेंट जो ड्रीम्स हैं वो 2024 में पूरे होंगे, और आपकी एक ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है ज़िंदगी की, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट, ये ज़िंदगी की एक नई शुरुआत सिर्फ मेंटली नहीं होगी बल्कि फिजिकली भी हो सकती है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू प्लेस पे 2024 में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब रेसिडेंस में आपका चेंजेस हो सकता है, किसी और कंट्री में जा सकते हो, किसी और स्टेट में जा सकते हो। जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग दिमाग से प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने वाला हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी को बदल रही हूँ और इस नए ईयर को बहुत अच्छे से जीऊँगी या जीऊँगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी नए जगह पर जाकर अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हैं, न्यू कल्चर सीख रहे हैं, न्यू ट्रेडिशन में आप जा रहे हैं, न्यू लोगों के बीच में जा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो सिर्फ रीन्यूअल जो है आपके रिलेशनशिप में नहीं होगा, मतलब रीन्यूअल कार्ड आपको ये बता रहा है ना कि मे बी न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, न्यू मैरिज और न्यू कपल आप बन सकते हो किसी नए इंसान के साथ, न्यू लव, न्यू हैप्पीनेस, न्यू पर्सन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके साथ साथ न्यू होम भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो कि अपने करेंट पार्टनर के साथ ही रहना चाहते हैं और उसी पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि मे बी आपके पर्सन के अंदर एक अलग सा बदलाव होगा जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, और जब वो सीरियस होंगे तो वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, और वो समय होगा 2024 का, ठीक है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है सेवन ऑफ वाटर की। सेवन ऑफ वाटर आपको ये बता रहा है ना कि हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में कुछ भी ऑप्शंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अपने अपने हाथों से, अपने उंगलियों से चूज़ कर सको, लेकिन 2024 आपका ऐसा होगा कि उस टाइम आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ ऑप्शंस होंगे, ठीक है। मतलब मल्टीपल, जैसे होता है ना कि कोई एग्ज़ाम आप देने जाते हो, कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कौन सा चूज़ करूँ, तो वैसे ही आपके लाइफ में 2024 में ऐसे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। कोई ऑप्शन गलत हो सकता है, कोई ऑप्शन सही हो सकता है ना। तो एग्जैक्टली कोई रिलेशनशिप में भी ऐसा आपका सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, लाइक अगर आप मैरिज करने वाले हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन चूज़ तो किसी एक ही को करना होगा, किसी एक ही से आप शादी करोगे या फिर किसी एक ही के साथ रिलेशनशिप में आओगे एट अ टाइम, ठीक है।
तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लेना पड़ सकता है 2024 में, जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके लाइफ को चेंज भी करेगा। उसमें आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब इतना तो क्लियर है कि अपने लाइफ का कोई ऐसा बड़ा आप डिसीजन ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स डिसीजन, ठीक है, जो कि आप हो सकता है बहुत लंबे समय से टाल रहे हो, या फिर अगर टाल भी नहीं रहे हो तो भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 में अपने लाइफ का कोई ऐसा डिसीजन लोगे जो कि आपके लाइफ को पूरी तरह चेंज करेगा और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि उसे छोड़ नहीं पाते जब तक वहाँ से कोई सॉलिड रीज़न या कोई क्लोज़र नहीं मिलता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने तरफ से कोई बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बहुत सारे कार्मिक रिलेशन से निकल रहे हैं, ठीक है, खुद डिसीजन लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो, टाल रहे हो, लेकिन अब आपके अंदर वो जो गुस्सा है वो फूटने वाला है और 2024 से पहले ही ये सारी चीज़ें ख़त्म करोगे, कार्मिक वगैरह, और एक नई शुरुआत करोगे। और जब नई शुरुआत करोगे ना तो लॉट्स ऑफ ऑप्शन, मतलब बहुत सारे प्रपोजल आएंगे, क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप में रहोगे ना कार्मिक में, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लाइफ में तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत अनअट्रैक्टिव हूँ, मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट ही नहीं होता या कोई नहीं होती। लेकिन आपके लाइफ में होते हैं अट्रैक्ट, लेकिन आपका ध्यान किसी एक ऐसे पर्सन पे है जो कि कार्मिक है, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ से निकल रहे हैं तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में लॉट्स ऑफ ऑप्शन आ रहे हैं, तब आप आश्चर्य हो जाओगे कि देखो मैं इतनी प्रीसियस थी, मैं तो इतना प्रीसियस था और मैं फालतू का कार्मिक पे समय बर्बाद कर रहा था। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में टली जा रही हैं, पोस्टपोन होते चली जा रही है, अब वो सारी चीज़ें एकदम पॉसिबल होने वाली है, ठीक है, वो भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बन के आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2024 आपका कुछ इस तरीके का हो सकता है कि लाइक देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो वो वाला आपका सिचुएशन हो सकता है जिसे अभी तक मिला नहीं, लेकिन जब मिलेगा तो हो सकता है आप संभाल ना पाओ, इतना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो लाइक ऐसा लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते थे, ठीक है, आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स देते थे लाइक SSC, PhD के लिए, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के होते हैं नेट वगैरह एग्ज़ाम, जो भी हो सकता है आप सब में ट्राई करते थे, या मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, हर एक चीज़ के लिए फॉरेन में भी ट्राई करते थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होता नहीं था, लेकिन अब 2024 इतना ज़्यादा आपके लिए लकी हो सकता है कि सारे दरवाजे, सारे डोर जिस जिस पे आपने नॉक किया, नॉक 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 करते चले गए, वो सारे डोर जो है ना वो खुलने वाले हैं। अब आप फंस जाओगे, मतलब आप फंस जाओगे, मतलब इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे तो आपको मतलब किसी एक ही में कदम रखना होगा ना, एक बार में एक ही डोर में आप जा सकते हो, एक ही रूम में जा सकते हो, एक ही रूम में रह सकते हो, ठीक है, सारे रूम में नहीं रह सकते एक बार में। तो वही चीज़ है, किसी एक ही चीज़ को आपको चूज़ करना होगा, एंड उसी को मैं आपको बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो सकता है। जैसे कि आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जैसे कि आप एयरफोर्स में जाने वाले हो, ठीक है, हो सकता है दूसरी तरफ आपको ये भी मिल जाए कि आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो, ठीक है, हो सकता है कि अब आपके फादर रेडी हो गए आपको फॉरेन भेजने के लिए। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, ये मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। तो मतलब फाइनली 2024 में आपका जो आलसपन है, जो भी चीज़ें टल रही हैं, पोस्टपोन्ड हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी है आपके खुद के अंदर या फिर आपके लाइफ के अंदर, सारे एरियाज़ में ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत एक्टिव भी हो रहे हैं और आपकी लाइफ जो है वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब जो फैंटेसी भरे ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हेलुसिनेशन से बचना है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन जैसा फील हो सकता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान देना है, ठीक है। और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे तो उसको भी आराम से डिसीजन लेके, पेशेंस एंड प्लानिंग करके किसी भी चीज़ को पिक करना है, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप 2024 में ड्रीम वर्ल्ड वाली ज़िंदगी जी सकते हो, इस चीज़ को क्लेम कीजिए। मतलब जो भी लोग जीना चाहते हैं ड्रीम वर्ल्ड, आपका ड्रीम वर्ल्ड क्या है, ठीक है, सभी का अपना अपना ड्रीम वर्ल्ड होगा, तो उस चीज़ को आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो योर इमेजिनेशन इज़ अ ग्रेट टूल, ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि जो आपका इमेजिनेशन है वो ग्रेट टूल है। मतलब अभी भी आपके पास टाइम है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विजुलाइज़ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, एंड वो सारी चीज़ें एकदम रियलिटी बनकर आपके 2024 में आपको मिलेगी, दिखेगी, उसको आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। मतलब ड्रीम वर्ल्ड को आप सच में अपने आँख के सामने देख रहे हो, देख सकते हो आप यहाँ पे,
ऐसा लग रहा है कि आपका ड्रीम वर्ल्ड आपके सामने आ गया और उस चीज़ को आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने या फिर अपने सिर्फ और सिर्फ अगर शादीशुदा नहीं हो तो खुद के साथ, फैमिली के साथ, जो आप मम्मी पापा है उनके साथ, ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ देख रहे हो और इंजॉय कर रहे हो। और मुझे पता है कि आप सेल्फिश नहीं हो, आप सभी के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे है नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी। सो नाइट ऑफ अर्थ बता रहा है कि आपके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, चेंजेस आ सकता है। वो कैसा है तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को लॉयल रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, और पेशेंस भी रखना होगा। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के आप अपने काम को लॉयलिटी के साथ कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो रहे हो, थोड़े से प्रोटेक्टिव हो रहे हो और थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हो, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हो इस 2024 में। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एम्बिशियस रहोगे 2024 में और बहुत हार्डवर्क भी करने वाले हो। एंड यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है, बल्कि आपने उस पर हार्डवर्क किया या करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसलिए तो यहाँ पे आपका डेडिकेशन का इन्फॉर्मेशन आया, मतलब कि 2024 में आप बहुत डेडिकेटेड रह के वो काम कर रहे हो एंड आप वही काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं वही काम करूँगा जो कि, या फिर करूँगी वही काम जिसमें एक टाइम आके, ठीक है, कुछ टाइम करने के बाद एक टाइम आके मुझे उससे पैसा मिले, उससे अर्निंग मिले। एंड डेफिनेटली आपका वो होगा भी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल और काइंड पर्सन बन रहे हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, प्यार नहीं मिलता है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ में कंजर्वेटिव रहोगे तो सही रहेगा और कुछ चीज़ों में नहीं भी रहना है, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कंजर्वेटिव रहना चाहिए, डेफिनेटली रह सकते हो, क्योंकि कभी कभी ना थोड़े जगह पे कंट्रोलिंग भी रहना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाना ज़रूरी होता है, तो इस सारे बातों का ध्यान रखें। लेकिन आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्टेबल रहना, दिमाग को शांत रखना, एम्बिशियस रहना, हार्ड वर्किंग रहना, ऑनेस्ट रहना और प्रोटेक्टिव रहना अपने फैमिली को लेकर, अपने लव वंस को लेकर, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए, मतलब कोई ऐसा काम करोगे कि आप किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते हो, किसी के लाइफ को चेंज कर सकते हो, वो वाली एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई हो सकता है कि आप अपने रोल मॉडल से मिलो, जैसे कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, और हो सकता है कि आपके कोई रोल मॉडल होंगे, ठीक है, जैसे मार्गदर्शक कहते हैं, पाइनियर, तो मे बी उनसे भी आगे आने वाले टाइम में 2024 में मिल सकते हो, जिसे मिलने के बाद आपको और भी इंस्पिरेशन मिलेगा, जिसके वजह से और भी आप मोटिवेट होगे, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे एट ऑफ फायर आपको ये बता रहा है फाइनली, ठीक है, जैसे कि आप 2024 में इंटर करेंगे, ठीक है, उसके 8 मंथ के अंदर सारे जो भी आपके डिलेज, जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ खुशियाँ होंगी। बहुत सारा फ्री केयर फ्री टाइम होगा जिसमें कि आप अपना ख्याल रखोगे, अपने फैमिली का ख्याल रखोगे, स्पेशली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नरिश कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कार्ड क्लियरली आपको यही बता रहा है कि आपके जो भी डिलेज हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, एट वंस, एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मतलब आप सोचोगे कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, एक ही बार में सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई, ठीक है। तो वो वाला मिरेकल आपकी लाइफ में हो सकता है। ये चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जितना आपने नहीं मेहनत किया, शायद उससे भी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मतलब बहुत सारे लोगों का जो किस्मत है वो चमकते हुए दिखाई दे रहा है 2024 में, ठीक है। 2024 में ये चीज़ क्लियर है कि आप बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी में रहोगे, गेनिंग मोमेंटम, जो काम आपका रुक गया है हो सकता है वो काम भी तेज़ी से बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद इन्फैचुएशन, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आपको किसी किसी चीज़ में सडन एक्शन लेना पड़ सकता है, अचानक से कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा, आपका 2024 ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा टाइम होगा। थोड़े से थकान तो रहेंगे, लेकिन वो सारा थकान जो है ना, आपको सुकून भी देगा। जब आप रात में सोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, थकान मिला है तो मैंने किया तो है हार्डवर्क, तभी तो मिला। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आपको रिजल्ट मिलने वाला है, मतलब जो भी आपने पास्ट में मेहनत किया है उसका भी रिजल्ट मिलने वाला है।
ठीक है, और रिजल्ट जो है बिल्कुल आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आपने कोई एग्जाम दिया तो मे बी 2024 में रिजल्ट आएगा तो वो आपके फेवर में होगा। अगर 2023 के पहले आता है तो मे बी हो सकता है प्रॉब्लम हो या फिर हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन 2024 में जो भी रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल आपके फेवर में होगा। और कोई ऐसा भी एक्शन लेना पड़ सकता है जो कि आपने सोचा नहीं था, कोई ऐसा भी काम कर सकते हो 2024 में जो कि आपने सोचा ही नहीं था। जैसे कि आपको कहीं किसी और के साथ जाना पड़ सकता है, किसी फ्रेंड से किसी दोस्त से आपको ऐसा कोई मौका मिल सकता है जानने का, लाइक वो कोई नया कोर्स इनरोल करने वाले हैं, हो सकता है आप भी कोई नए कोर्स में इनरोल कर लो, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज आप सीख लो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रश ऑफ लव, एक्साइटमेंट, पैशन, ये सारी चीज़ें भी होंगी। मतलब आपका जो लव लाइफ सूखा सूखा सा पड़ा हुआ है ना, सूना सूना सा, तो वो लव लाइफ पे फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपका इन्फैचुएशन बढ़ रहा है, कुछ लोगों के लिए आपका ऑब्सेशन भी बढ़ सकता है किसी एक पर्सन के लिए, तो ऑब्सेशन मत रखिएगा, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपके तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करेगा, डायरेक्टली आके आपको बताएगा, वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन फील करेगा, इन्फैचुएटेड मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और वो इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी हो सकता है आपको लेकर, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर फीलिंग होगी कि वो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। या तो आपकी ये एनर्जी हो सकती है या फिर आपको कोई ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। वैसे सिक्स ऑफ अर्थ ये आपको बता रहा है कि आप इतने रिच पर्सन बनने वाले हो 2024 में कि मे बी आप अपना खुद का कोई नया कैरियर, खुद का कोई नया कंपनी या खुद का कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि चैरिटी बहुत ज़्यादा करने वाले हो इस 2024 में आप सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका कोई कर्ज वगैरह भी चल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर्ज तो है आपका जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। तो वो फाइनली आप जितने भी कर्ज वगैरह है, पैसे वगैरह वापस जिससे भी लिए हैं उन सारे लोगों को आप लौटा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है बहुत लंबे समय से कोई आपको बहुत ज़्यादा रोक रहा है, टोक रहा है, परेशान करते रहता है, ठीक है। तो उन सारी एनर्जी से निकल रहे हो और फाइनली आपका जो बोझ है, बर्डन, यही तो सबसे बड़ा बर्डन होता है ना, कि अगर आपने किसी से कुछ ले लिया, ठीक है, कर्ज वगैरह ले लिया, तो बर्डन रहता है हर एक दिन जब उठते हो तो डर रहता है कि कैसे वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो, कहीं वो आज आ ना जाए मुझसे मांगने। तो वो कर्ज जो है वो उतरने वाला है, लोन वगैरह, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टर बन सकते हो। मे बी 2024 में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कभी इक्वालिटी नहीं होता, ठीक है, तो आपको ये फील होने वाला है कि अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा इक्वालिटी हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसा फील होगा कि जो भी हो सकता है हुआ वो मेरे लिए ही हुआ था, और अब देखो मेरे साथ अच्छा भी तो हो रहा है, तो ऐसा भी आप फील करने वाले हैं। और 2024 में आप बहुत सारे इवेंट में जा सकते हो, बहुत सारे लाइक किसी का शादी हो गया, कोई सेमिनार हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं बुलाया जाए, ठीक है, बहुत इज्जत से बुलाया जाए, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखते हैं कि क्या बदलाव होंगे आपके अंदर, क्या बदलाव होंगे। न्यू बिगनिंग, देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड है, 2024 के लिए कार्ड आया है आपके लिए कि आपके लाइफ में एक नई डोर की ओपनिंग हो रही है जिसमें कि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, ठीक है। देखिए सनराइज भी हो रहा है, ठीक है, और नेचुरल भी आप हो रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ रहे हो, ठीक है। आपके जो बुरे हैबिट हैं, जो भी निगेटिव एटीट्यूड है, वो सारे निगेटिव एटीट्यूड आपके ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ जो है बहुत ईजली जो है ना, लाइक इस वाटरफॉल की तरह स्मूथ होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत स्मूथली आपका जो लाइफ है इस नेचर की तरह दिखाई दे रहा है, ब्यूटीफुल होता हुआ, ठीक है। हर एक दिन आपका ब्यूटीफुल होगा 2024 का, बहुत स्मूथ होगा, सनराइज़ भी बहुत अच्छे से होगा, आपकी चक्र हील होगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि नेचर के साथ बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन बढ़ रहा है। देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपका जो भी मतलब गलत आदत है वो तो छूट रहा है, कोई एडिक्शन छूट रहा है, ऑब्सेशन ख़त्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका गलत आदत ये है कि आप सही समय पे उठते नहीं हो, मे भी सही समय पे खाते नहीं हो, तो ये सारी भी आदतें आपकी सुधर रही हैं। और हो सकता है कि इस 2024 में आपको बहुत सारा सा मौका मिलेगा केयर फ्री टाइम का, जिसमें कि आप बटरफ्लाई से इंटरेक्ट करोगे, जिसमें कि आप वाटर से इंटरेक्ट करोगे, माउंटेन से, वाटरफॉल से, सन को, रोज। ऐसा हो सकता है कि 2024 का हर एक दिन आप सनराइज जो होता है ना वो अपने आंखों से देखोगे। एंड देखिए गुड लक का कार्ड है, तो फाइनली
2024 में आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में आप एक कैट अपने पास रखोगे, कुछ लोगों के लिए लकी हो सकता है मे बी। ठीक है, देन यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है ना किस्मत बहुत अच्छे तरीके से चमकने वाला है। एंड देखिए यहाँ पे क्या है आपके लिए, फैमिली का कार्ड। सो फैमिली कार्ड आपको ये बता रहा है ना कि 2024 के आते साथ ही आपको ना कुछ बड़ी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रियलाइजेशन होगा। जैसे कि आप ऐसे इंसान हो जिसमें कि हमेशा आपको ये चीज़ लगता है ना कि मुझे मस्ती करना है, मुझे इंजॉय करना है, बस मैं ही हूँ। ठीक है, लेकिन ये वाली जो मैं वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है और आप मैं नहीं बल्कि मैं से हम पे आ रहे हो, मतलब अपने फैमिली के लिए सोच रहे हो, चाहे आपके मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, बच्चे हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसा भी आपका स्टेट है अभी, ठीक है, डेफिनेटली आप उस स्टेट में रह के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान हो रहे हो और अपने फैमिली के साथ आपका 2024 में कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि आप अपने फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें, अपने लवर्स को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के लिए कुछ इतना बड़ा करोगे कि फैमिली हमेशा आपका नाम लेगी। ठीक है, ऑल राइट, अब आप एक बहुत अच्छे फादर, आप एक बहुत अच्छे मदर बन सकते हो 2024 में। आप एक बहुत अच्छे पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। एंड डेफिनेटली इस 2024 में आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस 2024 में। ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप एक ओपननेस वाली एनर्जी में रहोगे कि हाँ मुझे यहाँ से भी कुछ सीखना है, अब मुझे वहाँ से भी कुछ सीखना है। आप ऐसे किसी चीज़ पे मतलब ज़िद नहीं, रिजिड नहीं रहोगे कि नहीं मैं जो हूँ सो हूँ, ये चीज़ नहीं है। मतलब अगर ऐसा है ना तो इसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत भी कर रहे हो, जिसके वजह से आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कब हो सकता है, जब आप एक सीकर बनोगे। ठीक है, सीकर वो होता है जो कि हर एक तरीके से ओपन होता है हर एक चीज़ जानने के लिए। तो सीकर रहोगे तभी आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। एंड यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक सीकर पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, जहाँ से जो आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ पे आपको प्रूफ मिल रहा है, लाइक एक साइंटिफिक प्रूफ मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। देन यहाँ पे फ्रीडम, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना जस्टिस का देखिए कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, एंड यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कार्ड है। फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी की न्यूज़ 2024 में डेफिनेटली मिलेगी, बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट होंगे 2024 में, ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिससे बहुत सारे लोगों को चाहिए ये न्यूज़। क्योंकि देखिए सबसे पहले फ्रीडम का कार्ड है, मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने करंट पार्टनर से, करंट रिलेशनशिप में रह के या करंट मैरिड लाइफ में रह के ना बहुत ज़्यादा उब चुके हो, या तो बोर हो चुके हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है इसलिए आप परेशान हो चुके हो। लेकिन आप इस जेल वाली एनर्जी में हो, मतलब आप तो एक इंसान हो, ठीक है, चाहे चिड़िया हो या फिर कुछ भी हो, सभी लोग फ्री फ्री रहना चाहता है, चिड़िया, ठीक है, बर्ड्स, तो आप तो इंसान हो तो डेफिनेटली आप फ्री रहना चाहते हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई थॉट्स है या फिर कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत परेशान करता है, प्रताड़ित करता है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है मैरिड पर्सन के लिए, जैसे कि आपका कोई अब प्यार या कुछ ऐसा कुछ रहा नहीं, या फिर कभी शुरू से फील नहीं किए, ऐसा हो सकता है कि ज़बरदस्ती आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी करवा दी, आपको रहना पड़ा, बेबीज़ वगैरह हो गए, लेकिन आप किसी और की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ गया। तो आप जस्टिस चाहते हो, मतलब ये चाहते हो ना कि मेरे साथ अब इक्वालिटी हो, अब मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ जिसको मैंने देखिए इसके साथ तो आप नहीं रहना चाहते जिसको आपने कभी नहीं चाहा, लेकिन अब जिसको आप चाह रहे हैं, तो भगवान से आप ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे वो इंसान तो दिला दे। ठीक है, ज़िंदगी भर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अब वो इंसान मिला दे जिसको मैंने अब पसंद किया है। ठीक है, जिसके साथ अब मैं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने मैरिड लाइफ से शायद खुश नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स लेना चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि 2024 में आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम मिलने वाला है। अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा मारपीट किया है, परेशान किया है, उस चीज़ से भी आपको फ्रीडम मिलेगा, उस इंसान से भी फ्रीडम मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी से भी फ्रीडम मिल सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके
रिलेशन पे कोई कुंडली लगाकर एकदम लाइक बैठा हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चला जाए और आप दोनों एकदम खुश खुश रहें, आप और आपके पार्टनर एकदम फ्रीडम रहे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल फ्रीडम की तलाश में हो एंड ये इमोशनल फ्रीडम आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। एंड कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स का सीन, मतलब डिवोर्स चाहते हो, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे पार्टनर ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो हर तरीके से, लेकिन 2024 में फ्रीडम आपको मिलेगा। आप फैमिली को समझ रहे हैं और जिसके साथ आप फैमिली बसाना चाह रहे हैं वो इंसान आपकी कदर समझ रहा है, आपके वैल्यू को समझ रहा है और वो भी कहीं ना कहीं एक दो स्टेप आगे बढ़ा रहा है आपके साथ घर बसाने को या फैमिली बनाने को। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कार्मिक रिलेशन में हो ना तो उससे भी आपको फ्रीडम मिलेगा, उस टेंशन तनाव से फ्रीडम मिलेगा। एंड 2024 में आपके साथ डेफिनेटली हर एक मामले में, हर एक एरियाज में मैं देख पा रही हूँ कि जस्टिस हो रहा है, आपके साथ कोई बेईमानी नहीं हो रही है। 2024 में बिल्कुल इक्वालिटी रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है आपके लिए, तो देखिए सबसे पहले आपको फ्रीडम मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, हमेशा जस्टिस वाले एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है, आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आएंगे, ठीक है, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, कितने ज़्यादा आप खुश हो, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अभी ही, ठीक है। तो 2024 में आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस होंगे, क्यों नहीं होंगे, ऑफकोर्स होंगे, जब आपको सामने वाले के द्वारा भी इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, जिससे आप हमेशा यही एक्सपेक्टेशन लगाए थे कि वो मुझे प्यार करें, ट्रीट करें अच्छा, तो उनसे आपको अच्छा एक्सपेक्टेशन मिल रहा है, ठीक है, और प्यार मिल रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको फ्रीडम भी मिल रहा है, तो आप खुश रहोगे। उसके बाद यहाँ पे है ब्लेसिंग्स, सो छप्पड़ फाड़ के आपको ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना आप सभी को, क्या मिल सकता है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हैंडशेक का कार्ड है, तो 2024 में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आएगा, वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मे बी ऐसा हो सकता है उसके साथ जो भी मीटिंग हो ना आपकी वो आपकी लाइफ को चेंज करेगी, वो आपकी लाइफ को बदल के रख देगी, ठीक है। तो किसी इंसान, कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आए तो डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आराम से बातें कीजिए और ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद है आपके लिए, ओके, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, तो कुछ अफेयर में, कुछ चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट ही होगा, टेम्प्ररी सिचुएशन ही होगा, ठीक है, उसको एकदम सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो आपको नेम फेम कमाने से, ठीक है, या फिर सक्सेस हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब 2024 में गारंटीड सक्सेस, ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। और क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, दिस वन, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फेयर वुमेन, मतलब आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो जो कि फॉरेनर हो सकती है, ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ग्रे हेयर कलर हो सकता है, ठीक है, वाइट हेयर कलर दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, 2024 में काइट का कार्ड है, मतलब कि बहुत सारे वकीशन, बहुत सारे इन्जॉयमेंट, केयर फ्री टाइम मिलेगा, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे, इन्जॉय करोगे, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी 2024 में अगर डिफिकल्ट टाइम भी आएगा ना, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। लाइक ऐसा हो सकता है कि अगर आप 2024 में थोड़ा सा बीमार पड़ रहे हो, जैसे कि मौसम बदलेगा, थोड़े से बीमार भी अगर आप पड़ोगे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली बहुत केयर कर रही है आपकी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हमेशा से आपने यही मांगा है कि फैमिली केयर करे, बहुत प्यार करे, तो वो चीज़ आपको मिलेगा, इन लॉस से भी मिल सकता है। उसके बाद है नया घर, नया एटीट्यूड, मतलब या तो नए घर, नए प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद रहे हो, और नया व्यवहार भी आपके अंदर, नई शुरुआत हो रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो जो आपसे यंग हो सकते हैं या यंग हो सकती हैं, एंड देन यहाँ पे है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, इनलाइटनमेंट भी होगा 2024 में, अवेयरनेस भी होगा, एंड बहुत सारे चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग आएगी। मतलब हो सकता है कि कभी कभी कुछ कुछ एरियाज में आप बेवकूफ़ जैसा बिहेव करते हो, या फिर नहीं करना चाहते हो कर देते हो, गुस्सा कर जाते हो, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो रही है। एंड फोर लीफ क्लोवर, मतलब कि ग्रेट फॉर्च्यून आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको बताती हूँ,
कि क्या हो सकता है, एंड अफर्मेशन भी आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेशन है आपका, सभी लोग लिखिए अगर आप 2024 में इस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं तो। यहाँ पे आपको लिखना है आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, इट इज़ ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज। क्योंकि बाउंड्रीज अगर सेट करोगे ना तो इससे क्या होगा कि बुरे लोग नहीं आएंगे, उनके चांसेस कम हो जाएंगे। इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइफ या फिर माई लाइट ब्राइटली। आई हैव द करेज टू बी ऑल दैट आई कैन बी, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो देखिए सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हो रहा हूँ या कॉन्फिडेंट बन रही हूँ, ठीक है। मैं अपने वैल्यू को समझ पा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ जिसके वजह से बुरे लोग मेरे लाइफ में नहीं इंटर कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग होंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क आ रहा है, बहुत इंथुजियाज़म आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिखिए आई स्पार्क एंड शाइन, ठीक है। आई अलाउ लव, आई हैव द बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब हमेशा से आप तरसे हो, तड़पे हो एक अच्छे दोस्त के लिए या फिर एक अच्छे ग्रुप के लिए, तो मे बी 2024 में एक अच्छा ग्रुप आपको मिल रहा है, एक अच्छी फ्रेंडशिप की ग्रुप आपकी बनते हुए दिखाई दे रही है। और मे बी ऐसा हो सकता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग जो अभी रिलेशनशिप है, एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी न्यू रिलेशनशिप आपका शुरू होगा वो बहुत रोमांटिक होगा। दोनों बात आप समझ चुके होंगे, जो अभी है जिसको आप सुधारना चाहते हो वो रोमांटिक हो सकता है, या फिर जो भी आपका न्यू रिलेशनशिप शुरू होगा वो बहुत रोमांटिक होगा। तो इसको आप अपने तरीके से लिख भी सकते हैं कि मेरे लाइफ में जो भी न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है वो बहुत रोमांटिक है, ठीक है, वो बहुत रेडियंट है, वो उसमें बहुत सारे ड्रीम्स डिज़ायर मेरे पूरे हो रहे हैं, मैं बहुत स्ट्रांग हो रहा हूँ। इस तरीके की चीज़ें आप क्लेम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि 2024 में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, क्या आपको मिल सकता है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल डे के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।